नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो का अध्यापन बिंदु है रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख कवि सेनापति की भक्ति भावना का वर्णन। इससे पहले की हमारी वीडियो में मैंने आपको बताया कि सेनापति श्री राम के परम भक्त थे, अर्थात सेनापति के आराध्य देव भगवान श्री राम थे। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में भगवान श्री राम की स्तुति एवं आराधना की है। आज की इस वीडियो में हम सेनापति की श्री राम के प्रति उनकी भक्ति भावना के बारे में हम जानेंगे। सेनापति रीतिकालीन रीति काव्य परंपरा के निर्वहक और राम भक्त कवि दोनों ही थे। वृद्धावस्था में जाकर उन्हें इस संसार से विरक्ति हो गई थी। इसी कारण कवित्र रत्नाकर की प्रथम तीन तरंगों में अलंकार, श्रृंगार और ऋतु के छह रूपों का अनुपम वर्णन चित्रण करने वाले सेनापति ने कवित्र रत्नाकर की चौथी और पांचवी तरंगों में राम के चरित्र, राम के सौंदर्य, राम के प्रभाव, राम के सर्वज्ञ स्वरूप, सीता स्वयंवर और राम की भक्ति भावना का अनूठा वर्णन किया। सेनापति की श्री राम के प्रति भक्ति भावना का मूल आधार कवित्र रत्नाकर ग्रंथ की चौथी और पांचवी तरंग है। सेनापति की भक्ति भावना को श्री राम के चरणों, राम के बल, राम की मंद मधुर मुस्कान, देवताओं के द्वारा राम का गुणगान, राम के पूर्ण अवतारी स्वरूप, राम की भुजाओं की बलिष्ठता, राम के आकर्षक सौंदर्य एवं उसके प्रभाव आदि स्वरूपों में मूल्यांकित किया जा सकता है। अर्थात सेनापति की श्री राम से संबंधित भक्ति भावना का अध्ययन हम अपने अग्रलिखित बिंदुओं या अग्रलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर एक, देवताओं के द्वारा राम की स्तुति। सेनापति ने राम भक्ति की परंपरा का ब्रह्मा से लेकर वाल्मीकि और स्वयं राम भक्ति का भक्त बनने तक का क्रम का उल्लेख किया है। राम की भक्ति परंपरागत और वेदों पुराणों से पुष्टित हुई, अचानक नहीं पनपी। पूर्व परंपरा से प्राप्त राम भक्ति का सेनापति अधिक वर्णन नहीं कर सके, किंतु कुछ पदों में उसका गुणगान अवश्य किया है, जो उनकी राम की भक्ति के प्रति अटूट आस्था और निष्ठा का द्योतक सिद्ध होता है। कवि लिखता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने राम का बखान किया। ब्रह्मा ने ऋषि नारद को सुनाया, ऋषि नारद ने वाल्मीकि को सुनाया और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और रामायण पढ़कर राम भक्त राम के रस में भीगने लगे। ऐसी ज्ञानी राम भक्ति का उल्लेख कवि ने अपने कवितों में किया है। सेनापति स्वयं अपनी अल्प बुद्धि दर्शाकर राम की असीमता को दर्शाते हैं, क्योंकि वे तीनों लोक के स्वामी हैं और कवि सिर्फ संसार का एक जीव मात्र है। पहला बिंदु देवताओं के द्वारा राम की स्तुति। दूसरा जो शीर्षक है वो है श्री राम के चरणों की वंदना। सेनापति ने श्री राम के चरणों को कमल के समान पवित्र, मानस मधुप निधि, परम निधान, सुरसरी मकरंद, देवताओं राजाओं के सरताज, मुक्ति स्वरूप, सरयू बिहारी और अहिल्या के उद्धारक, ज्ञानदाता और शरणदाता आदि के रूप में वर्णित किया है और इस रूप में वर्णित करके उन्होंने श्री राम के चरणों की शरण में जाने की कामना प्रकट की है। अर्थात उन्होंने श्री राम के चरणों को कमल के समान पवित्र, सरयू बिहारी, अहिल्या के उद्धारक बताया है और उनके चरणों में जाने की कामना प्रकट की है। इनके काव्य की अगली विशेषता है राम की भुजाओं के प्रताप का वर्णन। सेनापति भक्ति काल के राम भक्त तुलसीदास की भांति राम की शक्ति, राम के शील और राम के सौंदर्य से अभिभूत कवि थे। कवि की दृष्टि में श्री राम की भुजाओं की समानता असंभव है। अर्थात इस धरती पर, इस सृष्टि लोक में श्री राम की भुजाओं की समानता कोई नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि श्री राम की भुजाएं सीता की रक्षक है, परम कृपालु है, दिशाओं की रक्षक है, संसार के भार का हरण करने वाली है, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है और युद्ध में गर्जना करके प्रबल पराक्रम दर्शाने वाली है। ऐसी भुजाओं की समानता संसार में कोई नहीं कर सकता। यही भुजाएं सीता स्वयंवर में शिव के कठोर धनुष को तोड़ने वाली है और राजाओं और महाराजाओं के अहंकार को चूर चूर करने वाली है।
कवि कहता है कि मेरे मन में ये बात है कि श्री राम की ये दोनों भुजाएं ही सेनापति की भी रक्षा करेगी और उनका उद्धार करेगी। अर्थात सेनापति ने श्री राम की भुजाओं के प्रताप का भी अपनी काव्य रचनाओं में वर्णन किया है। इनकी श्री राम की भक्ति भावना से संबंधित अगली विशेषता है राम का सौंदर्य वर्णन। प्रत्येक भक्त को अपने आराध्य की प्रत्येक वस्तु अप्रतिम प्रतीत होती है। अप्रतिम, अद्वितीय और अति सुंदर दिखाई देती है और यही भक्ति के पूर्व रूप आसक्ति और श्रद्धा का मूलाधार है। अर्थात जब भक्त अपने आराध्य की भक्ति करता है तो पहले उसमें अपने आराध्य के लिए आसक्ति पैदा होती है, फिर श्रद्धा उत्पन्न होती है और फिर यही रूप भक्ति के अंदर परिवर्तित हो जाता है। भक्ति आसक्ति और श्रद्धा का अगला आधार है। सेनापति राम की मंद मुस्कान, राम की कांति, राम की आँखों की विशालता, राम की उदार मूर्ति, उनकी बलिष्ठता और गज गति के साथ राज सिठाठ बाट आदि सौंदर्य धानों पर निछावर है, मोहित है, क्योंकि ऐसा अलौकिक सौंदर्य अन्यत्र कवि को दिखाई ही नहीं देता है। जो सौंदर्य सेनापति को श्री राम के अंदर दिखता है वैसा सौंदर्य अन्यत्र विश्व में उनको कहीं दिखाई नहीं देता है। कवि कहता है कि जब श्री राम सीता स्वयंवर में शिव के धनुष की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी शक्ति, शील और सौंदर्य देखते ही बनता है। राम के अलौकिक सौंदर्य को देखकर ही जनक सूता सीता स्वयं को भूल गई और पति स्वरूप श्री राम का वर्ण कर लिया। सेनापति की भक्ति भावना से संबंधित अगला बिंदु है पूर्ण पुरुष अवतारी राम का वर्णन। वेदों और पुराणों में राम को विष्णु का पूर्ण अवतार कहा गया है। ऋषि वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में भी राम अवतारी पुरुष के रूप में ही वर्णित हैं। सेनापति ने राम को महाबली, बाहुबली, धर्म के रक्षक, कली दल का मलनकर्ता, लोक वेदों का रक्षक और सूर्य चंद्र के तेज पुंज का समूह के रूप में संबोधित करके उनमें रामत्व की सभी विशेषताएं विद्यमान बताई है और इसी कारण उन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री राम को पूर्ण पुरुष की संज्ञा प्रदान की है। सेनापति की राम की भक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता को दर्शाने वाला अगला बिंदु है राम की सर्वज्ञ शक्तिमता का वर्णन। सेनापति की दृष्टि में श्री राम की शक्ति और उनका ज्ञान सर्वज्ञात है। ऋषि मुनि, देवता दनुज और राजा महाराजा तक ने उनकी शक्ति और ज्ञान को अतुल्य बताया है और आराधना की है। अर्थात सभी देवताओं ने, दानवों ने, राजाओं और महाराजाओं ने श्री राम के ज्ञान और शक्ति को अतुलनीय बताया है। अर्थात उसकी समानता करना तो दूर की बात है, श्री राम की ज्ञान और शक्ति की किसी से तुलना तक नहीं की जा सकती। सीता स्वयंवर में सभी राजा महाराजा, देव समूह, नर नारी राजा राम के प्रवेश करते ही चित्र की भांति देखते रह जाते हैं और ऐसे लगता है मानो सूर्योदय से अंधकार अनायास ही हट गया हो। जैसे सभा के अंदर श्री राम प्रवेश करते हैं तो उनका प्रवेश करना ऐसे लगता है जैसे कि संसार में सूर्योदय हुआ हो। उस सभा के अंदर श्री राम के प्रवेश करते ही संपूर्ण अंधकार हट जाता है और श्री राम का चेहरा है जगमगाने लगता है, एक सूर्य की भांति कांति युक्त चेहरा सामने आ जाता है। सभी राजाओं और महाराजाओं का श्री राम को देखते ही अहंकार चूर चूर हो जाता है और राम की शक्ति, राम के शील और राम के सौंदर्य को देखकर सभी वहां पर उपस्थित राजा महाराजा और मनुष्य लोग अपने दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं। तो इस वर्णन से यह सिद्ध हो जाता है कि सेनापति भगवान श्री राम के परम भक्त थे। उनमें सेवक सेव्य भाव की भक्ति विद्यमान थी। उन्होंने स्वयं को श्री राम का सेवक बताया है अर्थात दास बताया है और श्री राम को अपना सेव्य अर्थात मालिक बताया है। उन्होंने राम की महिमा,
गरिमा, सौंदर्य, शक्ति और सर्वज्ञ प्रभावों का वर्णन पूर्ण राममय होकर किया है, अर्थात राम के अंदर रम कर उन्होंने श्री राम का पूर्ण वर्णन किया है। इसलिए सेनापति सफल और श्रेष्ठ राम भक्त कवि सिद्ध होते हैं। धन्यवाद।